भारत में इस समय कोरोना के भय से हर आदमी भयभीत है, और ये क्यों भयभीत है ये समझ में नहीं आता है। चीन से जब ये कोरोना वायरस बाहर निकला था, और 4 महीने बाद जब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कोरोना वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच को संक्रमित करता है, पहले इसका इन्फेक्शन गले में होता है, फिर ये श्वास नली में जाके जम जाता है, और जमने के बाद फिर ये सांस लेने में जब तकलीफ़ पैदा होता है तो इसका एकमात्र इलाज वेंटिलेटर है, और उसके बाद जो बीमारी ख़त्म हो सकती थी वही पुरानी बीमारियों से हम काम कर रहे होते थे। भारत में कोरोना वायरस से डर के हमने लॉकडाउन लागू कर दिया। लॉकडाउन जिस तरीके से लागू किया गया, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ी गलती थी कि हमने आम जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकने और बचाव के जो प्रयास थे, यदि हम उनके बारे में समय रहते उनको बता देते और 2 दिन 3 दिन का हम समय दे देते कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर लें और हम लॉकडाउन जाएंगे, लोकल फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, और इस रोग से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, तो यदि हम ये कर चुके होते तो शायद हमें इतने लंबे लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज इस लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग, खासतौर से वो करोड़ों कामगार जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए थे, आज अपने घरों में वापस आने के लिए विवश हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्हें वहाँ हम खाना दे पाए, ना उनके रहने की व्यवस्था कर पाए, ना हम उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग बना पाए, जिसके कारण लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल के, कहीं ट्रकों के माध्यम से, कहीं कैसे भी माध्यम से आने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने कोरोना का जो भय था वो इस तरीके से फैला दिया कि आज हर आदमी, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मध्यम वर्ग का हो, बड़े कारपोरेट लोग हों, सब लोग इस कोरोना वायरस के भय से भयभीत हैं। अब हमें इस भय से बाहर निकलना सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है। आज सारे लोग ये कह रहे हैं, यदि खाना मिलेगा, अर्थव्यवस्था रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, और यदि हमारी जान बच भी गई और अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। तो आज हमारा पूरा सामाजिक सिस्टम ढांचा, अर्थ का ढांचा टूटने की कगार में खड़ा है। इस समय पर हमें क्या करना चाहिए ये सोचने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे घर घर में कोरोना वायरस का उपचार सैकड़ों वर्षों से होता आया है। घर में माँ बहनें यदि गले में किसी भी तरीके से कोई तकलीफ होती थी, नमक के पानी के गरारे, गर्म पानी के गरारे करा देते थे, तुलसी, सौंठ, अदरक और लौंग, काली मिर्च इत्यादि का काढ़ा बनाकर लोगों को पिला के, और वो उस वायरस को ठीक कर देते थे। आज भारत में जिस तरीके का खान पान है, जो हमारी देसी औषधियाँ हैं, जो हम घर घर में इलाज करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद साबित हुए हैं, बजाय इसके कि कोरोना का कोई इलाज तो है नहीं, और यदि पेशेंट को हमने ले जाके हॉस्पिटल में भी रखा है तो उसे सामान्य दवाइयाँ ही दी हैं, और बहुत कम लोग वेंटिलेटर के जाने की स्थिति में आए हैं। आज 2 महीने के बाद हमें एक बात फिर से सोचना होगा कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर बनाए रखें। रबी का सीजन, जो 3 महीने का ये सीजन होता था, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरे साल भर की अर्थव्यवस्था को तैयार करता था। आज हमने वही 3 माह है जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य थे, उन्हीं को हमने खो दिया है। आज किसानों को फसल कटाई में तकलीफ हुई, चना, दलहन और गेहूं की फसल, किसानों को समय समय पे वो जो काम करना चाहिए थे वो नहीं कर पाए। सारी फूल, फल, सब्जी इन 2 महीनों में सड़ गई, लोगों तक नहीं पहुंच पाई, शादी बंद है, सारी सामाजिक क्रियाकलाप जो हैं सारे के सारे बंद हैं। ऐसी स्थिति में लोग और भयाक्रांत हो गए हैं कि हम कैसे इस भय से बाहर निकलें, और इस भय से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से वापस लेके आए। हमें भारत के बारे में ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे युवा देश है। यहाँ 30 करोड़ से ज़्यादा युवा आबादी है जो आज काम करने के लिए तैयार है। चीन की तुलना में हमारी आबादी मात्र 5-7 करोड़ कम है, और यदि हम अपनी श्रम शक्ति को ही अपनी अर्थ शक्ति में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये भारत के लिए कोरोना वायरस एक अवसर भी है। इस अवसर का हमें लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को कम से कम प्रतिबंध, लोगों को हम पिछले 2 माह में ये समझा चुके हैं कि कोरोना वायरस से उन्हें कैसे अपना बचाव करना है, कैसे फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है,
और कैसे सावधानी के साथ वो अपना काम करें जिससे वो कोरोना वायरस के संक्रमण में नहीं आए। कई लोगों को संक्रमण आया भी और वो अपने आप निकल भी गया। मुश्किल से देश में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर तक गए, अन्यथा वो बाहरी के बाहर दवाइयाँ जो नॉर्मल दवाइयाँ होती थी अन्य बीमारियों की, उसी से ठीक होकर बाहर आ गए। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, एक तो कोरोना वायरस के डर से हम बाहर निकलें, हम अपनी अर्थव्यवस्था और जो रोज़मर्रा के काम हैं हम उस पर फिर से वापस जाएं। हम यदि वैसे ही वापस अपनी सारी गतिविधियों को शुरू कर देते हैं तो एक तो कोरोना का डर हम सबके मन से दूर करने में मदद मिलेगी, दूसरी हमारी अर्थव्यवस्था सब चेन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं कि जैसे कोरोना वायरस की चेन बनती है, वैसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था की चेन बनती है। किसान खेतों में काम करता है, फसल आती है, वो फसल प्रोसेसिंग में जाती है, फल फूल सब्जी और ये जो ग्रामीण अंचलों से जो उत्पादन होता है उसी से पूरे देश की अर्थव्यवस्था निर्मित होती है। हमको अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी श्रम शक्ति को फिर से काम पे लगाएं, और काम पे लगाते समय आज हमारे सामने एक प्रश्न और है कि जब चीन से सारे लोग बाहर निकलना चाहते हैं और भारत में भी श्रम शक्ति वही है जो चीन के पास है, तो आज हम अपनी श्रम शक्ति को यदि सही तरीके से अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ दें तो हम चीन का मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं जो दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने में संभव हो। आज हमें ज़रूरत है कि जो हमने चुनाव जीतने के लिए अभी लोक लुभावन योजनाओं देखे, लोगों को श्रम शक्ति से हटाया था, श्रम शक्ति उनकी कम की थी, अब हमें एक बार फिर से श्रम शक्ति को बढ़ाना होगा, लोगों को काम के अनुरूप उन्हें उसका भुगतान प्राप्त हो, उसकी वेतन प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से हम कम कीमत में ज़्यादा अच्छा उत्पाद तैयार कर पाएंगे। हमें इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने पिछले 15-20 सालों में डिग्री से रोज़गार, डिग्री से सरकारी नौकरी, डिग्री से बैंक की नौकरी, डिग्री से कोचिंग से हमारी रेलवे की नौकरी, ये जो एक वातावरण बना दिया था जिसके कारण 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे युवा जो स्नातक और परास्नातक हैं आज बेरोजगार हैं। हम इनको यदि मुख्यधारा में जोड़ पाए, इनकी बौद्धिक श्रम शक्ति का उपयोग हम यदि उद्योगों में कामकाज में कर पाए, तो कोई कारण नहीं है कि अगले 3 सालों में हम दुनिया के श्रेष्ठ देशों की सूची में शामिल ना हों। चीन ने ये साबित करके बता दिया पिछले 15 साल में कि उसके कम कीमत के उत्पाद की मांग दुनिया के सारे देशों में रही और वो बड़ी तेज़ी के साथ अर्थ शक्ति बन के पूरी दुनिया के सामने निकला। आज कोरोना वायरस के कारण उससे लोग दूर भागना चाह रहे हैं और लोग भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी राजनीतिक दलों को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आज देश के लिए सोचना पड़ेगा। देश को सोचते हुए हम काम करेंगे, कोरोना के भय से बाहर निकाल के लोगों को फिर से एक अच्छी दृष्टि के साथ आगे बढ़ने को यदि उन्हें आगे ले जाएंगे तो आज ये देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कोरोना वायरस का जो भय फैलाना था वो फैल चुका, अब इस भय से बाहर निकलने की ज़रूरत है और हम जितनी जल्दी इससे बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी ही हम अपनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत कर पाएंगे। एक बात हमें ध्यान रखना होगी, भूख से बड़ा कोई भय नहीं होता है। जब आदमी का पेट भरा होता है तभी उसे मौत से डर लगता है। आज कोरोना वायरस के कारण लोग भूख से बेहाल हैं और ये आबादी भी कोई बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी आबादी, करोड़ों मजदूर आज देश के विभिन्न राज्यों से भूख से परेशान हैं। उनका आत्मसम्मान ख़त्म हो गया है, वो अपने आप को भिखारी की तरह देख रहे हैं। ये इससे इन्हें बाहर निकाल के हमें लाना होगा और जब इनकी भूख शांत होगी तभी सारी चीज़ें उसके बाद नियंत्रित हो पाएंगी। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।